ईगल टीवी के नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक और मजबूत मुसल्ला गैंग तमिल टाइगर्स के बारे में जानते हैं, जिसने 25 साल तक श्रीलंका के फौज का जीना हराम किया हुआ था। दोस्तों, तमिल टाइगर एक इंतहाई मजबूत गैंग थी जिसके आगे श्रीलंकन फौज बेबस हो गई थी और आखिरकार श्रीलंकन हुकूमत ने तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज की मदद तलब की। इसके बाद एक और खौफनाक जंग का आगाज शुरू हुआ। नाज़रीन मुख्तरम, इस दहशतगर्द तंजीम की कार्रवाइयाँ बिल्कुल अलग और इंतहाई खतरनाक थी, जिसका हल श्रीलंकन हुकूमत और फौज के लिए नामुमकिन था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक गैंग जिसमें तकरीबन 500 खुदकश हमला और समेत हजारों अस्करियत पसंद मौजूद थे, कैसे पाक फौज ने इनका सफाया करके दुनिया के लिए निशान इबरत बनाया। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तमिल टाइगर्स के बारे में आपको बताते चले कि ये किस तरह अपनी कार्रवाई सर अंजाम देते थे और इनके पीछे कौन कौन से ममालिक शामिल थे और आखिरकार पाकिस्तान की फौज ने किन वजूहात पर श्रीलंकन फौज की मदद की। खातिन हजरात, श्रीलंकन फौज 25 साल तक तमिल टाइगर्स को शिकस्त देने में नाकाम रही तो आखिरकार श्रीलंकन हुकूमत ने पाकिस्तान से तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की अपील की। उस वक्त के सदर जनरल परवीन मुशर्रफ ने दोस्त मुल्क श्रीलंका को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई और पाक फौज ने तमिल टाइगर्स जैसे खतरनाक मुसल्ला गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। दोस्तों, पाक फौज ने C-130 तैयारों के जरिए वसी पैमाने पर असलहा श्रीलंका भिजवाना शुरू किया और पाक फौज के दस्ते श्रीलंका रवाना कर दिए गए। इस दौरान श्रीलंकन हुकूमत ने पाकिस्तान से तकरीबन 90 मिलियन डॉलर्स की जंगी साजो सामान भी खरीदे, जिसमें जदीद तोपखाने, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मशीन गन और अल खालिद जैसे खतरनाक टैंक वापर मकदार में शामिल थे। नाज़रीन, वो दौर था जब श्रीलंकन फौज तमिल टाइगर्स के आगे बिल्कुल बेबस थी और श्रीलंका टूटने के बिल्कुल करीब था और कुछ माह के अंदर तमिल टाइगर श्रीलंका हुकूमत की कमान संभालने वाली थी। दोस्तों, इस मुसल्ला ग्रुप को फंडिंग इंडिया से होती थी और इस मुसल्ला ग्रुप के जरिए इंडिया श्रीलंका में अपना असर रसूख कायम करना चाहता था, ताकि श्रीलंका पर कब्जा करके पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। चूँकि श्रीलंका पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान किसी लालच के बगैर श्रीलंका की मदद के लिए तैयार हुआ। इस वक्त भारत की चीज आसमान को पहुँच रही थी, मगर पाक फौज ने बहरहाल श्रीलंका की मदद को अपने लिए परस समझा, जिसके बाद तमिल टाइगर्स के बुरे दिन शुरू हो गए। हाथीन हजरात, इस वक्त अमरीका ने भी इस इकदाम की शदीद मुखालिफत की, लेकिन तब तक हमारे जानबाज सिपाही मैदान में उतर चुके थे। दोस्तों, इस गैंग में तकरीबन 26,000 अस्करियत पसंद मौजूद थे, जिन्होंने खुद का हमलों के जरिए श्रीलंकन फौज को जेर कर लिया था। दोस्तों, पाक फौज ने न सिर्फ श्रीलंकन फौज को ट्रेनिंग दी बल्कि जाती तौर पर तमिल टाइगर्स के खिलाफ लड़ाई भी की और चंद से SSG कमांडर्स ने की हजार तमिल टाइगर्स वासिल जहन्नम के और कई गिरफ्तार भी कर लिए। नाज़रीन मुहतरम, जब तमिल टाइगर्स को पाक फौज के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर को खुद का हमले में मारने की कोशिश की। दोस्तों, इस दौरान तमिल टाइगर्स, जिसके नाम से लोग डरते थे, पाक फौज के आने के बाद जंगलों तक महदूद होने लगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने न सिर्फ हथियारों के जरिए श्रीलंका की मदद की बल्कि SSG कमांडर्स ने श्रीलंकन फौज को ट्रेनिंग भी दी। इसके अलावा श्रीलंकन फौज को जासूसी और मुआसिलात की मदद भी फराहम की। दोस्तों, SSG की दी हुई ट्रेनिंग श्रीलंकन फौज के लिए इंतहाई कारामत साबित हुई, जिसकी वजह से तमिल टाइगर्स की कमर टूट गई। दोस्तों, इस हवाले से न्यूयॉर्क और दीगर अखबार में खबरें शायर हुई कि तमिल टाइगर्स को शिकस्त देना आसान नहीं था अगर पाक फौज श्रीलंका की मदद ना करती। नाज़रीन मोहतरम, शायद ही श्रीलंकन फौज में ऐसा कोई सिपाही हो जिसने पाक फौज से ट्रेनिंग हासिल न की हो। सिपाही से लेकर बड़े बड़े जनरल पाक फौज को अपना उस्ताद मानती है। दोस्तों, ये वो पाक फौज थी जिन्होंने तमिल टाइगर्स जैसे खतरनाक मुसल्ला ग्रोह का सफाया किया और बेहतरीन इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से श्रीलंकन फौज तमिल टाइगर्स के बड़े बड़े मगरमच्छों को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दोस्तों, आज श्रीलंका का हर बूढ़ा बच्चा पाकिस्तान को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने श्रीलंकन अवाम को तमिल टाइगर्स जैसे खतरनाक मुसल्ला ग्रोह से आजादी दिलवाई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह मालूमती वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रख के अपने भाई और दोस्त को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज फाइंदाबाद।